हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल माउंटेन्स टू कोस्ट। आज के ब्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया है नासिक स्ट्रीट फूड। सो पहली जगह जहां हम पहुंचे वहां काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी और इस गर्मियों के मौसम में ये स्पॉट शायद सबका फेवरेट बन गया था। तो इस आउटलेट का नाम है समर्थ जूस सेंटर, जो काफ़ी पॉपुलर है अपने पाइनएप्पल जूस विद आइसक्रीम के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे है दो टैंक, एक में होता है पाइनएप्पल क्रश, तो दूसरे में होता है थोड़ा सा पतला पाइनएप्पल जूस। सो ये दोनों बारी बारी से हर एक ग्लास में ऐड किए जाते हैं। ऑटोमेशन की वजह से यहाँ पे एक बार में बहुत सारे ग्लासेस भर जाते हैं। फाइनली इसमें ऐड किया जाता है एक पूरा डॉलप ऑफ पाइनएप्पल आइसक्रीम। तो रेस्टोरेंट के एंट्री पे ही आपको पेमेंट करके टोकन मिलता है, जिसको दिखाने के बाद आपको मिलता है 1 फुल ग्लास ऑफ पाइनएप्पल जूस विद आइसक्रीम केवल 40 रुपए में। समर्थ के 3 आउटलेट्स है नासिक में। मेरे लिए जूस काफी रिफ्रेशिंग था इस गर्मियों के मौसम। इस जूस को आप पी के खा भी सकते हैं, बिकॉज इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ पाइनएप्पल चंक्स इन इट। यहाँ पे बहुत सारे पार्सल ऑर्डर्स भी जा रहे थे। अगर आप नासिक के पंचवती एरिया में हैं तो आप इस जूस सेंटर को ज़रूर ट्राई करिए। आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हुए हमने ट्राई की कड़ी भेल, जो हमें दिखाई दी एट पंचवती ओल्ड नासिक रोड पे। काफ़ी अनयूजुअल था ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए, तो इसीलिए हमने सोचा कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई एंड देखते हैं कैसी लगती है ये भेल। सो एक बोल में सेट होते हैं मुरमुरे और काफ़ी सारा फरसान। सो इस ड्राई मिक्स के ऊपर डालते हैं गर्मा गर्म ऐसी कड़ी। ये कड़ी ना ज़्यादा स्वीट ना ज़्यादा स्पाइसी होती है। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अनयूजुअल है, लेकिन टेस्ट में उतना ही अच्छा। कड़ी से इस डिश को मिलता है एक क्रीमीनेस और उसके साथ ही इसके अंदर डाला जाने वाला फरसान जो बनाता है इस डिश को काफ़ी क्रिस्पी। अगर आपको ये डिश ट्राई करनी है देन यू शुड विजिट ओम साई कच्ची दाबिली सेंटर। इसके साथ ही हम आगे पहुंचे एट सायंतारा, विच इज ऑपरेशनल सिंस 1969। इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक आउटलेट्स दैट एनीवन शुड ट्राई एट नासिक। सो यहाँ पे मिलता है साबूदाना वड़ा और आलू की कचौरी, जो आप उपवास में खा सकते हैं। यहाँ का साबूदाना वड़ा और कचौरी काफी क्रिस्पी होते हैं बाहर से और अंदर से उतने ही सॉफ्ट। वड़ा या फिर कचौरी के साथ मिलने वाली चटनी भी काफी टेस्टी होती है। शायद इसी कारण यहाँ के वड़े या कचौरी काफ़ी मशहूर है यहाँ के लोगों में। नासिक के हर एक गली में ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को देख के आपको काफ़ी सुकून महसूस होगा। और ये है पाव वड़ा, जो आपको आसानी से हर एक गली और हर एक नुक्कड़ पे दिखाई देगा। जैसे बटाटा वड़ा फ्राई किया जाता है, ठीक उसी तरह पाव को चने के आटे के बैटर में डिप करने के बाद तला जाता है फॉर सम टाइम, जिसकी वजह से ये लिखते हैं ऐसे फ्लफी पूरिया, लेकिन अंदर होता है पाव, जिसको सर्व किया जाता है तीखे और मीठे चटनी के साथ, और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।